तो दोस्तों ये है एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 11 में ओबीबी फाइल या फिर डेटा फाइल को ट्रांसफ़र करना पहले जैसा नहीं रहा कि डायरेक्टली हम मूव कर लेते थे या फिर कॉपी कर लेते थे तो हो जाता था, बट दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है, एंड्रॉयड को सिक्योर कर दिया गया। तो इस वीडियो में मैं आपको BGMI के ओबीबी फाइल को ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा और BGMI गेम को रन करके भी दिखाऊंगा, तो चलो। लेकिन दोस्तों उससे पहले मुझे बोलना है कि पता नहीं क्यों गूगल को क्या हो गया है, जब देखो तब एंड्रॉयड को अपडेट करके कुछ ना कुछ चीज़ों को हटा ही देता है। पहले APK फाइल को हटा दिया, जैसे कि पहले हम APK फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते थे, अब यहाँ पर OBB फाइल को। पता नहीं क्यों गूगल जो है एंड्रॉयड को फुल्ली एप्पल बनाना चाहता है। अरे यार एप्पल अलग है, वो सिक्योरिटी के लिए अलग है और एंड्रॉयड अलग है। एंड्रॉयड में बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसको वैसा ही रहने दो। पता नहीं क्यों हाथ धो के पीछे पड़ा इसकी तुम्हें। तो दोस्तों APK और OBB फाइल को अगर आपको डाउनलोड करना है तो पिछली वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी चल जाना अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लिंक जो है बहुत सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो थोड़ा सा बीची रहेगा। अब यहाँ पर देखो, जो मैंने APK फाइल और OBB फाइल को डाउनलोड कर लिया है तो मैंने यहाँ पर रखा है बैकअप में। तो ये APK फाइल है और OBB फाइल है, तो सबसे पहले हम APK को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो APK है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके OBB फाइल को OBB फोल्डर में पेस्ट करेंगे, तो OBB फोल्डर हमें चाहिए, उसका एक अलग से नाम होता है। तो इसके लिए बस आपको इस APK को आपको वन टाइम ओपन करना है और क्लोज कर देना है, बस इंटरनेट से एक बार कनेक्ट कर लेना है जिससे कि OBB फोल्डर ऑटोमेटिक वहां पर आ जाए। हमारा जो OBB फोल्डर दोस्तों वो आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल में जाना है एंड्रॉयड में OBB, तो यहाँ पर आप देख सकते हो com.pubg.imobile ये आ चुका है। ओके, अब हम चलते हैं फिर से। तो यहाँ पर जो हमारा फाइल है दोस्तों वो आपको पेस्ट करना है अगर OBB फोल्डर में, तो ये इतनी आसानी से वर्क नहीं करता है। तो आपको एक्सप्लोर ये जो ऐप है आप देख सकते हो, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो भी फोल्डर है, जैसे कि बैकअप में मैंने रखा था, तो ये हमारा मेन हो गया, ये OBB है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके इसे आपको मूव करना होगा या फिर आप कॉपी कर सकते हो, तो मैं कर देता हूं एंड्रॉयड के OBB फोल्डर में जाकर यहां पर इसके अंदर में पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा जो है पेस्ट हो चुका है com.pubg.mobile.imobile जो भी है। तो देखो दोस्तों करना क्या होगा कि ये जो एक्सप्लोर ऐप है इसको आपको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद भी आप इस फाइल से भी कर सकते हो। ये पता नहीं इसमें डिफॉल्ट इसका फाइल मैनेजर है, तो अभी हम देख लेते हैं एंड्रॉयड OBB, तो यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों एक बार आपको टेस्ट कर लेना है, कैसे करना है टेस्ट, तो यहाँ पर जो हमारा APK है इस पर क्लिक करना है, APK इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो इसका जो साइज है, देखो इसका जो साइज है 314 MB दिखाएगा स्टार्टिंग में APK का, और जैसे ही 9.6 आपको दिख जाए, सॉरी यार नहीं दिख रहा उसके लिए सॉरी, तो जैसे ही आपको 0.96 दिख जाए इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। अब डायरेक्टली मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, कहाँ गया APK, तो देखो ये कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों PUBG इंस्टॉल करने के बाद भी आपको कुछ डेटा चाहिए, क्योंकि इसके रिसोर्सेस फाइल डाउनलोड होंगे। तो दोस्तों ये है प्रोसेस एंड्रॉयड 11 के लिए, और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों को बताओ यार कि आ चुका है हमारा BGMI, तो PUBG को अनइंस्टॉल मारो और BGMI को इंस्टॉल करो और खेलो। और हाँ दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।